हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब। आज मैं आपको स्टार्ट कराने जा रही हूँ आपका एक्सेल चल ही रहा था ट्रिपल सी कोर्स में, तो आपका फंक्शंस में लुकअप, वैल्यू कप और हॉल लुकअप करा दिया था। तो वही है कि उसी के आगे हम चीजें कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मूला पे फंक्शंस चल रहे थे, टेक्स फंक्शन से प्रीवियस वीडियो में हो चुके थे, तो वीडियोज के नंबर पड़े हैं 8, 9, 10। 9 नंबर करके मैंने वॉल्यू कप लुकअप वाला वीडियो डाला है, तो वो आप फटाफट देख लीजिए। ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में सभी को शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो कोर्स आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा, क्योंकि ट्रिपल सी का जब भी आप एग्जाम डालेंगे सभी चीजें आप रिपीट कर सकेंगे। फ्री क्लासेस है, कोई भी चार्जेस नहीं देना है। ओके, और जो भी आपको जैसे पूछना है कि फॉर्म कैसे फिल होता है, कोई भी चीज है, किसी भी कंप्यूटर में कोई भी चीज का डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या पूछना है। ओके, तो वही है, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपको मैथ्स में एबीएस मैंने यहाँ तक करा दिया था, वही ऑड इवन वगैरह कराते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। इसमें सभी फंक्शन यूज के नहीं है, मतलब इस कोर्स के अकॉर्डिंग। बाकी हम जब फंक्शन का स्पेशल अलग से आपका कोर्स लेके आएंगे, उसमें अलग से वीडियोज रहेगा, प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो उसमें सभी फंक्शंस करा देंगे। तो अभी जिसमें इसमें जितना यूज है वही आप कराते हैं। तो वही है, अब यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देती हूँ मैथ्स फंक्शंस में, मैथ्स फंक्शंस। ओके, मैथ्स ट्रिक, यहाँ पे फंक्शन आ जाएंगे ट्रिकी वाले। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका, फर्स्ट में आपका एबीएस ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, तो आगे से ये स्टार्ट करते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का देखिए यूज क्या होता है। इवन नंबर आपको पता है 2, 4 और 6, ये सारे आपके इवन्स नंबर होते हैं। तो मैंने 95 पे सपोज कर्सर लगा, तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नंबर्स लिखे हैं उसको भी सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर वहां पर कुछ टाइप भी कर सकते हो। अगर आपने ऑड नंबर लिखे हैं तो वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फैक्टोरियल। किसी भी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है, जैसे मुझे यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल्स निकालना है, तो 7 का ऐसे 5 का निकालना है, तो 5 उसका फैक्टोरियल्स आ जाता है नंबर का। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मैथ्स फंक्शन में ही आपका इवंस मैं आपको करा चुकी हूँ और फैक्टोरियल्स का करा चुकी हूँ, यही आप सारा करिएगा। एलसीएम आपको पता है, एलसीएम भाई जो नंबर आपका कट जाए, जैसे 2 है और 4 है और 6 है, तो ये नंबर्स किससे कट रहे हैं, 12 से, मतलब 2। आप जब 12 2 की टेबल पढ़ेंगे तब भी 12 आता है, और 4 की टेबल पढ़ेंगे तब भी आपका 12 आता है। तो इस तरीके से आप चीजें देख सकते हो। और नेक्स्ट हम फटाफट कराते हैं आपको ऑड नंबर। ऑड नंबर वही आपने यहाँ पे क्या लिया, 38, तो उसका कन्वर्ट हो जाएगा 39, क्योंकि ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, इस तरीके के आपके ऑड नंबर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आप बात करते हैं आपका, ऑड नंबर्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एलसीएम, तो हो ही गया है राउंड राउंड अप। और ये इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, जैसे नंबरों की, जैसे आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है, कुछ भी नंबर बड़े भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो वही आपका मल्टीप्लाई चलता रहेगा। 2 की 4 और 4 8 इस टाइप से आप कर सकते हो, 64। नेक्स्ट आपका आता है पावर। पावर में भी मल्टीप्लाई ही होती है, तो वही सेम है यूज इसका। नेक्स्ट आता है राउंड राउंड अप, तो वही हम देख लेते हैं। रोमन पहले देख लेते हैं। रोमन मतलब कुछ भी आपने नंबर डाला यहाँ पे, जैसे आप 8th क्लास में, तो 8th का रोमन आ जाएगा उसके। ओके, रोमन नंबर, जैसे हम मार्कशीट वगैरह बनाते हैं तो रोमन नंबर का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसी के बेस पे आपको रोमन निकालना है। ओके, तो रोमन आपका अच्छा आपका फंक्शन है मैथ्स ट्रिक का। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे राउंड। राउंड का क्या हो जाता है कि जैसे हमने कुछ भी नंबर लिखा, पॉइंट में कुछ काफी सारे डिजिट्स लिख दिए, तो उसको राउंड अप करना है, या राउंड आपको करना है कितने 2 डिजिट्स में, तो 2, 5 की जगह क्या हो जाएगा, 2, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसी में राउंड, तो आपने कर लिया। ओके, अब अगर आपको किसी भी वैल्यू को राउंड अप करना है, तो राउंड अप में वही सेम हो जाएगा जैसे अभी राउंड हुआ था। देखना है चीजें, मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे ये है कि नहीं बताया तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा 12 करके, यहाँ पे इस तरीके से लिखा। अब मुझे सेम 2, 3 जितने डिजिट में आपको राउंड अप करना है, तो 99 इसका देखिए 99 हो गया, यानी कि अप हो गया, राउंड अप हो गया। ओके, अब राउंड डाउन में क्या होगा, राउंड डाउन में ये नहीं है कि वो 98 का वो 97 हो जाएगा, नहीं, 90 आपका 8 ही रहेगा, मतलब वो ऊपर नहीं जाएगा, अप नहीं होगी, वो राउंड अप वैल्यू नहीं बनेगी, बट राउंड डाउन में कम भी नहीं होगी। आपने 57 लिखा, पॉइंट इस तरीके से कुछ भी नंबर्स लिख दिया, तो यहाँ पे आपको 2, तो वही 99 ही रहा इसका, नीचे आपका अप नहीं हुआ। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ पर,
आपका राउंड अप राउंड डाउन और राउंड क्लियर ही है, और आपको मैंने पापा भी बता दिया सेम है प्रोटेक्ट आपका मल्टीप्लाई जैसा होता है। स्क्वायर आपका देखिए यहाँ पे नंबर लेंगे, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर नंबर आपको पता होनी चाहिए, तो उसी के बेस पे उसका नंबर आपको डिफाइन कर देगा। आप एक नंबर लिखोगे तो उसका स्क्वायर आपको बता देगा, ओके अगर होगा, नहीं होगा तो वो पॉइंट में होगा तो पॉइंट में बता देगा, जाहिर सी बात है आपने सही स्क्वायर नहीं लिखा होगा। ओके नेक्स्ट आपको रोमन बता दिया, स्क्वायर बता दिया, समीप वगैरह भी आपके यूज किए हैं, वो मैं आगे जब कराऊंगी सब चीजें बताई जाएंगे। आई होप टेक्स्ट फंक्शन हो गए, रिटन टाइम हो गए हैं, लुकअप हो गया है, लॉजिकल्स के इफ और एंड मैं आपको बताती हूँ, अलग से एक वीडियो लाऊंगी एक और फंक्शन की। अभी कुछ ऑप्शन पे फोकस कर लेते हैं, डिफाइंड नेम्स वगैरह और फॉर्मूला और ये कैलकुलेटर वगैरह कैसे यूज होता है। देखिए अब सबसे पहला ऑप्शन आता है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम का होता क्या है, आप किसी वर्ड को बार बार डिफाइन कर सकते हो, किसी नंबर को। अभी मैं नंबर पे फोकस करती हूँ, ये नंबर लिखा, अब ये नंबर क्या आपको याद रहेगा, बहुत अजीब सा नंबर है, ओके जैसे फोन नंबर होता है तो हम याद तो नहीं कर सकते, इस नंबर का हमें हर शीट पे यूज है, ये नंबर बार बार यहाँ पे हमें लिखना है, तो हम उसको देखेंगे फिर लिखेंगे, हम इसको क्या दे देते हैं, एक नाम देते हैं। डिफाइन नेम पर जाके मैंने इसको एक नाम दे दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके, उसको क्या नाम दे दिया, ओके नाम दे दिया। नेक्स्ट मुझे इस सेल पे ये नंबर चाहिए, ओके यूज इन फॉर्मूला पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे, ओके जो है हमारा, और इसको एंटर मार देंगे। अब मुझे सपोज ये नेक्स्ट शीट पर चाहिए, यहाँ पे मुझे ये नंबर आपको इंसर्ट कराना है, तो आपने भाई यूज इन फॉर्मूला पे जाके जो नाम दिया था ओके उस पे आप क्लिक करेंगे, वो नाम आपका आ जाएगा। नेक्स्ट नेम मैनेजमेंट जाते हैं, आपको नाम नहीं अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको एडिट भी कर सकते हो, डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर दोगे, तो डिलीट कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो आपका नाम जो एक नाम दिया था फॉर्मूला बेस पे तो वो हट गया है। तो वही चीजें हैं कि आपको क्या करना है, उसको नाम दे देना है एक डिफाइंड नेम से। और यहाँ पर आता है ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, नंबरों को ट्रस्ट करना, अच्छा ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स देते हैं, हम क्या होते हैं कॉपीज वगैरह हमें टोटल करना होता है, फटाफट हम कहीं पे भी टोटल मार देते हैं, अब हमें ध्यान नहीं होता कि हमने इन नंबरों का टोटल कहाँ किया था, तो वही आपका ट्रस्ट में होता है। अब यहाँ पर इस इक्वल्स टू लगाएंगे और 25 सिलेक्शन किया, जो जो नंबर हमें प्लस करने, फिर मैंने इसको सिलेक्शन किया 45 को प्लस, देन आपको जो जो नंबर प्लस करने है उसको सिलेक्शन करके उसका सेल एड्रेस देखिए, आप सिलेक्शन बनाइए, क्लिक करिए नॉर्मली माउस से और प्लस का साइन लगा लीजिए, यहाँ से कुछ नंबर लेने प्लस, यहाँ से कुछ लेना है प्लस, देन यहाँ से लेना है लास्ट पे प्लस नहीं लगाते हैं, एंटर मार दे। अब 340, अब मुझे याद नहीं है कि जो इस मार्कशीट में से कौन से नंबर मैंने यहाँ पर प्लस किए हैं, मुझे ये तो पता है कि हाँ शायद ये तीनों तो मैंने प्लस किए थे, इसमें से कौन कौन से किए नहीं याद है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे ट्रस्ट इस पिछले पे, तो आपका क्या होगा कि आपको बता देगा कि 56 प्लस है, 59 है और हिंदी का 72 है, 25, 45 और 83 तो है ही, और जीके का क्या है 59। तो वही चीज है, आपको इन्फॉर्मेशन सारे इसके एरो के थ्रू बता दिया कि ये जो प्लस आपने किया है वो किन किन नंबरों का है। ओके रिमूव द एरो, एरो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 56 पे कर्सर लगती हूँ, अब आता है ट्रस्ट डिपेंड। ट्रस्ट डिपेंड का मतलब क्या होता है कि जो एक नंबर आप सिलेक्शन कर रहे हैं वो डिपेंड किस पे है, आपको ये तो याद नहीं है कि इस पे था कि नहीं था, ये तो याद है कि ये इस पे टोटल बना हुआ है, मार्कशीट बनी, डाटा बना है, ये टोटल में तो जरूर प्लस हुआ होगा हिंदी सब्जेक्ट जो पूजा का है, तो ये तो याद ही होगा, तो वही टोटल पे है लेकिन ये नहीं आता किस पे, तो इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि जो नंबर है कोई भी नंबर है कि वो डिपेंड किस पे है। अब जैसे मुझे 83 देखना है तो 83 किस पे डिपेंड होगा, सिर्फ एक नंबर पर 340 पे ही डिपेंड होगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको प्लस में यूज सिर्फ किस में किया, इसी नंबर पे इसका यूज किया है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, डिपेंड अलग होता है और ऊपर वाला ये अलग है, शो फॉर्मूला जहां जहां फॉर्मूले लगाए हैं वो सारे शो हो जाएंगे, जैसे आपको शीट का फॉर्मूला यूज करना है या फिर नोट डाउन करना है, सम मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज, और यहाँ पे आप स्कॉल से इधर आ गया ये तो आपका ये क्या रहा है डिवीजन ग्रेड, तो सभी के आपको फॉर्मूला यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब ऑफ करना है, शो फॉर्मूला पे क्लिक कर देंगे तो वो कंडीशंस क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, मतलब शो फॉर्मूला से क्या करना है आपको अभी नहीं देखना है, फॉर्मूला सारे शो नहीं करने। एरर चेकिंग्स क्या होती है, एरर चेकिंग कुछ गलत फॉर्मूला लग जाता है तो उसके बेस पे, अब देखिए ओके का आपने क्या कर दिया था, डिफाइंड नेम का नाम डिलीट कर दिया था तो वो एरर दिखाया, तो इसे क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, ओके तो वो इग्नोर हो गया, नॉर्मल हैशटैग नेम लिख के ही रह गया। अब नेक्स्ट आता है, इसमें क्या होता है
फॉर्मुलास, लेट्स फॉर्मुला शो फॉर्मुलास होता है B3 से F3, ओके इसका आंसर आ जाएगा कि क्या इसका आंसर है, तो वो चीजें आपको इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ खास इसका यूज नहीं है। वॉच विंडो, वॉच विंडो अच्छा ऑप्शन है। देखिए होता क्या है वॉच विंडो में, सपोज ये मार्कशीट है, मैंने इसको सारा सिलेक्शन कर लिया, जितनी मार्कशीट आपको सेम टू सेम किसी और शीट पर बनानी है, तो आप क्या करेंगे वॉच विंडो पे जाके एड अ वॉच कर लेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया, अब मैं शीट थर्ड या एक और शीट लेते सपोज फोर्थ, अब इस पे सेम टू सेम ये वाली मार्कशीट बनानी, इसको बड़ा करना है बड़ा कर लीजिए, मूव करना है फोर एरो है मूव कर लीजिए यहाँ से ये वाले एरो से, अब इसको मूव करा सकते हैं कहीं पे भी ये वाले एरो से मूव कराने। ओके नेक्स्ट आता है आपकी शीट वन है, A2 सेल में आपने क्या लिखा है नेम, तो A2 पे कर्सर रखेंगे इस तरीके से नेम सेम टू सेम देख के आप बना सकते हो। फिर आपने क्या लिखा है इंग्लिश हिंदी, और फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप वॉच विंडो ऐड कर लेंगे, देखिए आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था सम, जब आप पूरा लिख लोगे तो सम B3 से लेकर F3 तक लगाया था, तो इस तरीके से जो डाटा आपको सेम टू सेम कुछ बनाना होता है रिकॉर्ड, दूसरी शीट पे भी कुछ चेंजेस करने होते हैं, कुछ आपका सेम टू सेम ही है, तो आप वॉच विंडो का यूज कर सकते हो। मैं पूरा डाटा नहीं बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसा डाटा यूज कर सकते हो। अब मैं इस पे शीट वन पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से सारा रिकॉर्ड जो है सिलेक्शन करती हूँ और डिलीट वॉच पे क्लिक करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका डिलीट हो जाएगा। ओके डिलीट वॉच से क्या होता है कि जो आपको डिलीट करना है वो आप डिलीट कर सकते हो, और वॉच ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपको ऐड करना है उतना एरिया क्या करना पड़ेगा सिलेक्शन करना पड़ेगा और ऐड वॉच पे क्लिक करना। कैलकुलेटर का आपका यूज नहीं होता क्योंकि सारे के लिए हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं। ओके यूज होगा तो मैं आगे बताती हूँ। डाटा पर आते हैं, डाटा में क्या होता है अभी हम कर चुके हैं तो इसको मारते हैं डिलीट, आप चीजें समझ चुके हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा गेट एक्सटर्नल डेटा, गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब क्या हुआ कि हम दूसरे चैप्टर की फाइल्स को शायद इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, तो वही चीज है कि आप कैसे इंसर्ट करेंगे, तो सबसे पहले एक्सेस, एक्सेस की फाइल होती क्या, देखो एक्सेल में वर्क कर रहे हो, एक्सेल क्या होता है वर्क बुक पे वर्क होता है, आपका शीट्स होती है जिसमें हम कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क करते हैं। ओके लेकिन जो एक्सेल है उसमें हमने क्लियर करा दिया, एक्सेस में होता क्या है जिसमें हम डाटा फीड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल्स हो गया कॉलेजेस हो गया या फिर कोई भी जगह हो गया मेडिकल स्टोर्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है रिकॉर्ड की इनका नाम क्या है फादर नेम क्या है सिटी क्या है एड्रेस क्या है कहाँ से आए क्या है कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह, तो जो डाटा फील्ड होता है वो आपका किस में होता है एक्सेस में होता है। तो वही अब मार्कशीट बन रही है तो स्टूडेंट का डाटा भी तो होगा, उनका फादर नेम वगैरह उसी के अकॉर्डिंग उनको मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, या फिर कुछ भी आपको उनका रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना मार्कशीट देने के बाद, तो वही है आप क्या करेंगे फॉर एक्सेस के जाएंगे, इसमें एक फाइल मेरी बनी भी है ऐसे ही मैंने बनाई थी, आपकी अगर फाइलें बनी हो तो वो आप सिलेक्शन कर लेंगे और ओपन कर लेंगे, तो ओपन जहाँ पे कर्सल है वहां से वो क्या हो जाएगा इंसर्ट हो जाएगा। अब मेरा 9 पे कर्सल था ये रिकॉर्ड नेम फादर नेम और मदर नेम इस तरीके से आईडी, अब जब आईडीज आ गई तो उसको मैं कुछ डिजाइनिंग वगैरह चेंज करनी है, टेबल टूल बार आपको शो हो जाती है, ये आपका सिलेक्शन आ रहा है यहाँ से आप चेंजेस करिए जो भी करना, फिल्टरिंग करनी A to Z, Z to A, स्मॉल टू लार्ज, एनीथिंग जो चेंजेस करने हैं वो आप चेंजेस कर सकते हो। ओके यहाँ से मैंने नॉर्मली कर देना है, दैट्स इट, हेडर नहीं चाहिए टोटल रो जो भी आपको चाहिए यहाँ से कर सकते हो, ये चीजें मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें आपको पता है। ओके तो वही है ये सारी चीजें आप कर लेंगे, फॉर्मेट टेबल टूल बार ही आ रही है, आपको रिकॉर्ड चाहिए उसमें चेंजेस करिए, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ से आएगा आपका एक्सेस से आएगा, एक्सेस में बना होना चाहिए। अब मैंने इसको सिलेक्शन किया डिलीट की दवाई, जितना रिकॉर्ड है उसको सिलेक्शन करके क्या दबाना होता है डिलीट की आपको दबानी होती है। नेक्स्ट हम किसी सेल पे कर्सर लगते हैं, ब्लैंक सेल पे ही कर्सर लगना चाहिए हर एक ऑप्शन करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर कर्सर रखा गेट एक्सटर्नल डाटा में, यह फॉर वेब, वेब मतलब ऑनलाइन यानी कि नेट पे आप कुछ भी आपको शीट वगैरह का वर्क करना है डालना है तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आपका फॉर टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट की फाइल इंसर्ट कराना। ओके तो यहाँ पे हम कोई भी फाइल का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं, तो वही टेक्स्ट की फाइल का मैटर कहाँ आ जाएगा एक्सेल में आ जाएगा। अब टेक्स्ट की फाइल जो होती है वो कैसी होती है, पेशू वर्क होता है डॉक्यूमेंट्स पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा कॉलम्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिक्स विड्थ पे यहाँ पर कर्सर होना चाहिए। नेक्स्ट आप करेंगे यहाँ पर आपका डिवाइड अगर नहीं होता है ये एरोस नहीं आते तो आप खुद से डिवाइड कर लीजिएगा। ओके प्रॉपर तरीके से करिएगा, जैसे कि यहाँ पे एरोस आगे पीछे है इसमें तो आप वो कर लीजिएगा। अब फिनिश करती हूँ मैं यहाँ पे और ओके कर देते हैं, तो उस तरीके से आपका डिवाइड होके आ जाएगा। वही है सेल में देखिए गैपिंग ज्यादा थी तो उस तरीके से चेंजेस हो गए,
डिलीट करना है, रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो ये जो चेंजेस हुए हैं वो आपका वापस नहीं आएगा। तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, अंडू ही कर देती हूँ। एक सेकेंड, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम चीजें सही कर लेते हैं। फटाफट हम इसे क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैंने सिलेक्शन किया, टेक्स्ट फाइल डिलीट कर दी, यस वो आपकी क्या आ जाएगी, टेक्स्ट फाइल डिलीट हो जाएगी। अब आते हैं यहाँ पर, टेक्स्ट फाइल डिलीट होने के बाद यहाँ पर आपका एक्सटर्नल डेटा में एक्सेस एक्सेस कनेक्ट करी थी, एबीसीडी वाली फाइल कनेक्ट करी थी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका फॉर रिसोर्सेज वगैरह का यूज नहीं है, कनेक्टेड फाइल में ये आपका आ ही रहा है। अब आपको क्या करना है, इसे रिप्लेस करना है दूसरी फाइल से। तो आप ये रिफ्रेश ऑल पर और यहाँ पर आप इसे दूसरी फाइल से चेंज कर सकते हैं, तो वो फाइल हट जाएगी, वाली फाइल आ जाएगी, इस फाइल से भी आपको करना है। ओके तो चलिए हम इसमें चेंजेस जो भी करना चाहेंगे वो एक अलग चीज हो गई। मैं एक काम करती हूँ, कोई और फाइल खोल लेती हूँ। सपोज मैंने ये वाली फाइल खोल ली है और ये वाली फाइल जो है मेरी, मैंने इसको क्लोज किया, डोंट सेव पे क्लिक किया। इसको मैं दोबारा से खोलती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस का हो गए थे तो वो मुझे नहीं चाहिए था। तो वही है, यहाँ पे मैंने ओपन की तो नॉर्मल आपकी फाइल ये आ गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इतना क्लियर है तो वही है, आगे हम आपका आगे जो आपका है डेटा है, डेटा में गेट एक्सटर्नल में आपको बताई दिया एक्सेस स्टेप का और टेक्स्ट की फाइल, कनेक्टेड फाइल्स के बारे में बात कर चुके हैं। ई टू जेड जेड टू एड फिल्टरिंग के लिए वर्क होता है कि आपको क्या करना है, फिल्टरिंग करनी है। तो वही आपने इस पर क्लिक किया और फिल्टर लगा दिया यहाँ पे, तो वही ए टू जेड यहाँ पे करेंगे और जेड टू एड तो कर सकते हैं, शॉर्ट करना है भाई किसी को जाके अलग से चेंज करना वैल्यूज वगैरह को तो वो आप कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियर भी कर सकते हैं। फिर एडवांस भी मैं आपको बताऊंगी और ये सारे ऑप्शन आपको बताए जाएंगे। ओके चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फटाफट आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा लोगों को शेयर करिए। एक्सेल मेरा आपका नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाऊंगी उसमें कम्प्लीटली करा दूंगी, एक्सेल प्रैक्टिकल क्लासेस नेक्स्ट आपका होगा, थ्योरेटिकल क्लासेस एक्सेल की, सारे जो ऑप्शन है थ्योरेटिकल भी आपको लिखा दिए जाएंगे जिससे कि आगे कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो।